पियर थाना क्षेत्र के बगाही गांव में पिछले दिनों जमीनी विवाद में 17 वर्षीय लड़की चुन्नी कुमारी की हत्याकांड को लेकर दर्ज मामले में नया खुलासा के बाद पियर थाने की पुलिस ने मृतका के पिता एवं मामा की गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद अब मृतका की मां शोभा देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायिक हिरासत के बाद जेल भेज दिया गया। पियर थाना के अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि हत्याकांड के खुलासा के बाद मृतक लड़की के पिता एवं मामा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके बाद उसकी मां शोभा देवी गिरफ्तारी के भय से दिल्ली भागने की फिराक में थी। दिल्ली जाने के दौरान पिलखी पुल के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में पुलिस की पूछताछ में उसने भी अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार की है। बंदरा प्रखंड मुख्यालय के सभा कक्ष में प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच तथा पंच का शपथ ग्रहण मंगलवार को भी किया गया। उप मुखिया तथा उप सरपंच पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया भी हुई। अंतिम दिन 4 पंचायतों की प्रक्रिया हुई। बंदरा में प्रखंड निर्वाचन कार्यालय के अनुसार हत्था पंचायत में उप मुखिया अजय कुमार राय तथा उप सरपंच विजय राय निर्वाचित किए गए। मुन्नी बैंगरी पंचायत में उप मुखिया के पद पर शिवनाथ कुमार सहनी तथा उप सरपंच के पद पर रिंकू देवी निर्वाचित की गई। इनका निर्विरोध निर्वाचन किया गया। पटसारा पंचायत में उप मुखिया अरुण राय निर्वाचित हुए, जबकि उप सरपंच रंजीत यादव निर्विरोध निर्वाचित किए गए। तेपरी पंचायत में उप मुखिया टुनटुन कुमार तथा उप सरपंच दिनेश पासवान निर्वाचित किए गए। इससे पहले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी प्रशांत कुमार के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण तथा निर्वाचन की प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। बंदरा प्रखंड के विभिन्न इलाकों में अब की बार किसानों ने तंबाकू की खेती पर दाव लगाया है। आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड के इलाके के किसान पहले व्यापक तौर पर तंबाकू की खेती नहीं करते थे, लेकिन अब की बार किसानों ने तंबाकू की खेती व्यापक तौर पर की है। काफी मुनाफे की उम्मीद से किसानों ने तंबाकू की खेती पर अब की बार दाव लगाया है। ठंड एवं कुहासा बढ़ने के बीच ही सब्जी उत्पादक किसानों में परेशानी बढ़ने लगी है। सब्जी उत्पादक किसानों के द्वारा सब्जी के खेतों में स्प्रे करने का दौर शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुहासा बढ़ने के बीच पाला पड़ने की आशंका से किसानों के द्वारा खेतों में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से स्प्रे की जाती है। लगातार ठंड बढ़ रहे हैं और कुहासा का भी प्रकोप बढ़ने लगा है, ऐसे में सब्जी उत्पादक किसानों में चिंता भी बढ़ गई है। बंदरा प्रखंड में यह पिलखी बांध रोड की सड़क है। पिलखी से रतवारा जाने के रास्ते में बांध सड़क पर लगातार धसान और रेनकट की वजहों से लोगों को परेशानी हो रही है। जगह जगह रेनकट की वजहों से गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन मुश्किल है। लोगों का बताना है कि हाल के साल में ही यहां बांध का मरम्मती का काम कराया गया था, लेकिन मरम्मती के बाद ही यह बांध जगह जगह बिखरने लगा। रेनकट आदि वजहों से लगातार यह सड़क ध्वस्त होता गया, जहां छोटी गाड़ियों का परिचालन भी सुरक्षित नहीं है। बाइक सवार और साइकिल सवार भी इस सड़क से सुरक्षित परिचालन नहीं कर सकते हैं। मतलबपुर पंचायत क्षेत्र के करमैठा टोला जाने की यह सड़क है। पिछले साल इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण के साथ ही कुछ दिनों बाद ही सड़क पर गिट्टी उखड़ने लगा, जिसके वजहों से गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन संभव नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का बताना है कि निर्माण के समय ही गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया गया था, लेकिन तत्कालीन जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। बंदरा प्रखंड के विभिन्न इलाकों में जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। किसान परेशान हैं। किसानों के द्वारा केला के बागानों को भी जाल से घेराबंदी किया गया है, ताकि दिन में मवेशियों से बचा जा सके और रात में जंगली जानवरों से बचा जा सके। किसानों का बताना है कि रात के समय में जंगली जानवरों के हमले से फसल बर्बाद होती है। जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को रौंद दिया जा रहा है, कई बार फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से इलाके के किसान परेशान हैं। गायघाट प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में अगात गेहूं के फसलों की पटवन का काम भी शुरू हो गया है। किसानों के द्वारा गेहूं के फसल में पटवन का काम शुरू करा दिया गया है। हालांकि पटवन के सरकारी बंदोबस्त नहीं है, खेतों में लगाए गए बिजली आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहने की वजह से निजी पंपिंग सेटों के माध्यम से पटवन का काम किसानों के द्वारा शुरू किया गया है। एक तरफ जहां सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बथुआ सब्जी के विकल्प के तौर पर सामने आया है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बथुआ साग की काफी डिमांड हो रही है। सब्जी के लिए
घर के बच्चों के द्वारा पास के खेतों में जाकर बथुआ तोड़ने का काम किया जाता है। कई इलाकों में महिलाओं के द्वारा भी पास के खेतों में जाकर बथुआ तोड़ते देखा जा सकता है। ग्रामीणों का बताना है कि सब्जी महंगा होने की वजहों से बथुआ साग एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने है और प्रत्येक साल गांव के लोगों के द्वारा बथुआ का प्रयोग किया जाता है। खासकर घर के छोटे छोटे बच्चे पास के खेतों में जाकर बथुआ तोड़ते हैं और सब्जी का एक बेहतर विकल्प लेके आते हैं। गायघाट प्रखंड के बंदरा कटरा समेत विभिन्न इलाकों में इन दिनों नीलगायों के द्वारा झुंड बनाकर हमला किए जाने से गेहूं की फसलें बर्बाद होने लगी है। किसानों का बताना है कि खासकर शाम के बाद नीलगायों का आतंक शुरू हो जाता है और खेतों को रौंदने का काम शुरू हो जाता है। कई इलाकों में सुनसान चौर के हिस्से में दिन में भी नीलगायों का आतंक जारी रहता है। आपको बता दें कि इस इलाके में प्रत्येक साल नीलगायों का आतंक होता है और नीलगायों के आतंक से किसान परेशान रहते हैं।